ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अरे बॉबी जल्दी करो भाई, टिफिन लाओ, लेट हो गया। आई आई, ये लीजिए। क्या बनाया है आज? टिंडे। फिर से टिंडे? मुझे एक बात बताओ बॉबी, तुम्हें ये टिंडे इतने पसंद क्यों है भाई? भैया चौबे भैया नमस्कार। प्रणाम भैया। अरे गुप्ता जी, मिठाई लाल, कैसे आना हुआ भाई? आप तो जानते ही हैं कि मोहल्ले के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना बबलू जो है वो कृष्ण बनकर हवन में बैठे। क्या? गुप्ता जी, जहाँ तक मुझे याद है उस हवन में कृष्ण के रूप में अग्रवाल जी का बेटा चिंकू बैठने वाला था ना? चौबे जी, बात ऐसी है कि स्थापना में मीडिया वाले आएंगे। मीडिया वाले कौन भाई? अरे अपने हनुमान केबल वाले। हम चाहते हैं कि सुंदर सा गोरा चिट्टा बच्चा कृष्ण बनकर हवन में बैठे अपने बबलू जैसा। तो आप फिकर मत कीजिए, बबलू वैसे तो गोरा ही है लेकिन हम पाउडर लगा लगा के उसे और भी गोरा बना देंगे। बॉबी एक मिनट, गुप्ता जी काहे रंगों का भेदभाव कर रहे हैं आप लोग? और वैसे भी कृष्ण जी हैं वो सांवले थे, वैसे भी अग्रवाल जी का जो बेटा है चिंकू वो कितना सांवला सलोना, कितना प्यारा बच्चा है, वो तो कृष्ण के रूप में और ज्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा भाई। बात तो आपकी सही है भगवान भैया, लेकिन हमें सुंदर सा बच्चा चाहिए, बिल्कुल गोरा, एकदम एकदम रसगुल्ला जैसा। तो फिर रसगुल्ले को काहे नहीं बिठा देते हैं आप लोग? अरे अकल नाम की चीज है कि नहीं आप लोगों में? ठीक है, अगर आप लोग को आपत्ति है तो हम किसी और को। हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं रुकिए, देखिए बबलू ही बैठेगा हवन में, हम भेज देंगे बबलू को तैयार करके कृष्ण भगवान के मंदिर में, बबलू बैठेगा। भैया क्या कर रही है? मैं वो बबलू की कृष्ण भगवान वाली ड्रेस निकालती हूँ, कितना प्यारा लगेगा मेरा बबलू। यशोवती मैया से बोले नंद लाला। शिवाय देख रहे हो रंगों का भेदभाव। ये क्या हुआ? अरे अरे होली खेल कर आए हो क्या? ओह आई एम सो सॉरी भगवान दास। हाँ अब लग रहे हो मेरे दोस्त, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया यार। दरअसल क्या हुआ भगवान दास कि मेरा एक भक्त है जो सोचता है कि मेरा रंग नीला है, तो मैं ऐसे ही उसके पास चला गया था और बाद में रंग उतारना भूल गए। Very interesting, you know. पर तुम कुछ बोल रहे थे भगवान दास? मैं ये कह रहा था शिवाय कि ये रंगों का भेदभाव क्यों भाई? Do you have any answer? भगवान दास, मैंने तो केवल अलग अलग रंगों को बनाया है, पर इनमें भेदभाव तुम मनुष्यों ने किया है। What do you mean? मतलब ये भगवान दास कि कुछ मनुष्यों को ऐसा लगता है कि सफेद रंग अच्छा होता है, कुछ को लगता है कि काला रंग बुरा होता है, कोई सोचता है कि मेरा रंग नीला है और कोई सोचता है कि मेरा रंग गोरा है। रंग मनुष्य की सोच में, शरीर में नहीं। बात तो तुमने पते की है। मैं हमेशा बात पते की करता हूँ भगवान दास, पर तुम समझ नहीं पाते। मैं तुम्हारी हर बात समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सीधे सरल भाव से समझाओ तो ना यार। तो मैं कैसे समझाता हूँ भगवान दास? ये मिठाई लाल जो जलेबी नहीं बनाता ऐसे राउंड 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 ऐसा समझा। ये लो चले गए राउंड मारने, हो गए गोल राउंड। अरे रुको रुको रिक्शा वाले, आ गया हमरे जीजा जी का घर, आपका मोती झील में कुदवा कर रोकोगे रिक्शा? लो माता जी रोक दिया। हाँ ठीक है जीजा जी। अरे ओ जीजा जी देखो हम आ गए। अम्मा यहाँ से क्या चिल्ला रही हो, मोहल्ले के सभी जीजा तुम्हें रिसीव करने आ जाएंगे। तुम ना ज्यादा चिक चिक ना किया करो, चुप ही रहा करो राजकुमारी। अरे तुम ही तो हो यहाँ आने का कारण, अब उतरो सामान उतारो। अरे रिक्शा वाला तुम ही हीरो की तरह का रिक्शा में बैठे हुए हो, अरे उतरो सामान उठाओ और चलो अंदर। अरे सामान उठाना हमारा काम थोड़ी ना है। ज्यादा चिक चिक ना किया करो समझे, 10 रुपया तुमको हम ज्यादा दे रहे हैं, चुपचाप सामान उठा के लेके चलते हो अंदर के बुलावे हम अपने जीजा जी को। आ? ओ जीजा जी, अरे ओ जीजा जी।
सारे शांति, तू यहाँ कैसे? आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे कोनो बम फूट गया हो। अरे बम नहीं फूटेगा, मगर दिमाग तो फूटेगा ना। का? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि कुछ भी क्यों फूटेगा मेरी प्यारी साली के आने से, लेकिन आने से पहले कम से कम खबर तो दे दी होती ना। बस आना पड़ा जल्दी में, बताएंगे बाद में सब। कौन आया है पापा जी? अरे बरेली वाली मौसी आप। अरे तू भी इतना चौंक रही है बहू, अब ज्यादा चिक चिक मत कर, जल्दी से पैर छू ले और आशीर्वाद ले। अरे हाँ मैं भूल गई। दूधो ना पूतो भलो। और प्रिया बेटे तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मौसा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बेटा तुम कैसे हो? बड़े दुबला गए हो हैं? अम्मा कुछ खाने पीने के लिए नहीं देती हैं? अरे आप घोंचू ऐसे खड़े रहोगे या मौसा जी के पैर भी छुओगे? हम कहाँ पैर छुएंगे भाई। अरे आप छू भी लो, बड़े हैं, आशीर्वाद ही मिलेगा। वैसे रिक्शा वाला है। अरे पहले क्यों नहीं बताया था तुमने? भाई हमने तो सतीश को यानी कि तुम्हारे बेटे को बरसों पहले देखा था, तो अब इसको देखा तो मैंने समझा कि तुम्हारा बेटा सतीश होगा। सतीश बंगलोर में है, उसे हमारी कहाँ पड़ी है। आप ज्यादा चिक चिक ना कर, जल्दी से 50 रुपए निकाल के दे दीजिए रिक्शे वाले को। वही तो मैं सोचू कि रिक्शा वाला अंदर तक क्यों आया। क्यों आया है मतलब? मतलब सामान छोड़ने। खन्ना साहब को देखिए, उनके यहाँ कभी भी कोई भी रिक्शा वाला आता है ना, वो अंदर तक बगैर सामान छोड़े नहीं जाता। हाँ, कौन? विनोद खन्ना जी? नहीं, वो हमारे मोहल्ले में एक खन्ना जी हैं। आप नहीं जानती उन्हें? जानना भी नहीं है हमको। अब ज्यादा चिक चिक मत कर। भगवान कहाँ है? अंदर है, चलिए ना मंदिर दिखाती हूँ। फिर से चिक चिक। अरे हम अपने भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान दास हमारा बेटा। वो शाम को आएंगे, ऑफिस में है ना अभी। हाँ तो ऐसा कहो। शांति तुम लोग नहा लो, उसके बाद खाने की टेबल पे बात करेंगे। शांति तुमने अभी तक अपने अचानक आने की वजह नहीं बताई। वैसे तो जीजा जी खाना खाते वक्त ज्यादा चिक चिक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं तो बता देते हैं कि हम प्रिया का रिश्ता देखने के लिए कानपुर आए हैं। अरे वाह, वही हम सोचे कि मौसी जी अचानक कैसे टपक पड़ी। मतलब अचानक कैसे आ गई बिना बताए? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे भाई लड़की के हाथ पीले हो जाएंगे। वही तो। जीजा जी अभी हम रिश्ता देखने के लिए आए हैं, ब्याह पक्का नहीं हुआ। ऐसे तो कई लड़के इससे पहले भी प्रिया को देखने के लिए आए हैं, लेकिन एक ही नजर पड़ते ही भाग जाते हैं सबके साथ। अरे शांति नींद पीकर आई हो क्या, जो अपनी बेटी के बारे में इतनी कड़वी कड़वी बातें कर रही हूँ। हम चिक चिक नहीं कर रहे हैं जीजा जी, सच कह रहे हैं। अरे 2500 बार आए बरेली में, लड़के आए हैं देखने के लिए, खाया पिया खर्चा पानी सब हुआ, बस इसका काला रंग देखते हैं और भाग खड़े होते हैं। मौसी जी ये तो गलत बात है, रंग से क्या होता है। प्रिया अपने आप में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, गुणी है, घर का सारा कामकाज भी जानती है, फिर लड़का उसे मना क्यों करेगा। एक बात बताएं बहू, हमरी बात का बुरा मत माना, खुद तो एकदम टमाटर की जैसी लाल हो ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। भगवान ना करे अगर तुम्हारा रंग भी दबा होता ना, तो भगवान भरोसे ही रहती, भगवान दास नहीं मिला होता, समझी। अरे शांति तुम अपने मन में अशांति मत पैदा करो। अरे ये रंग वंग वाले जमाने गए जीजा जी, कौनो जमाना माना नहीं बदला है। लड़का कितना भी काला हो ना, लेकिन लड़की उसको गोरी ही चाहिए होती है। अम्मा बात बात पे सुनाना बंद करो हमें, अपनी मर्जी से काले पैदा नहीं हुए, तुम ही ने पैदा किया है। नहीं खाना हमें खाना। अरे प्रिया, प्रिया से नाराज नहीं होते? अरे बहू तू बैठ जा, ज्यादा परेशान मत हो। अरे उसकी तो आदत ही है ऐसे चिक चिक करने की। बुरा मत मानिएगा मौसी जी, लेकिन ये आपकी सोच गलत है। अब प्रिया को आपकी बातों का कितना बुरा लगा होगा, इसके बारे में सोचा है कभी आपने? दिन भर चिक 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 करते करते हमारे दिल पर क्या गुजरता है, इस बात का एहसास है किसी को?
अरे पति गुजर गया जब बच्चों ने होश नहीं संभाला था, अकेले पाल पोस के बड़ा किया है दोनों को हमने, और जब बेटा संभालने लायक हुआ तो पूछता ही नहीं। एक विधवा माँ पर जब आन बेटी का बोझ खा होता है ना, इसका एहसास तुम लोग को नहीं होगा। देखो शांति, रोने से तो किसी बात का कोई हल नहीं है। वही तो, देखना मौसी जी, इस बार लड़का प्रिया को पसंद करके ही जाएगा। अरे नहीं करेगा पसंद, उसके लिए प्रिया को गोरी होना पड़ेगा। तुम ना बस हमको ये क्रीम मंगवाई दो। अरे कौन सी क्रीम? अरे ये गोरे होने का क्रीम है, हम टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखे रहे, इसको लगाने से ना हफ्ता 10 दिन में ही लड़कियां गोरी हो जाती है। अरे नहीं मौसी जी, इस क्रीम वीम से कुछ नहीं होता। अरे होता है ना बहू, अरे एक लड़की थी वो काली थी, उसका ब्याह ही नहीं होता था, वो बहुत ही रोती रहती थी, और जैसे ही क्रीम वहाँ लगाई ना कि बस हफ्ता दिन के बाद तो उसके घर के आगे तरातर लाइन लग गई लड़कों की, और उसके बाद तो लड़कियां मना करने लगी। अच्छा अब तुम ये बता दो कि तुम हमको एक क्रीम मंगवाई के दोगी कि नहीं? अरे हाँ हाँ मौसी, जरूर ला कर देंगे। आप पहले खाना खाइए, तब तक मैं प्रिया को खिला कर आती हूँ। कौन है यहाँ का? कौन औरत है भूत बन के घर में काहे घुसी आ रही है? अरे कौन है आप? अरे डरा क्यों रही है, बताइए ना कौन है आप? वही तो, पहचाना नहीं पापा जी? अरे बहू बेटा तुम। लेकिन बहू बेटा एक बात बताओ, तुम ये अपने चेहरे पर आटे का लेप लगा के क्यों घूम रही हो? अरे ये आटे का लेप नहीं है पापा जी, चकाचक फेस पैक है। हम कुछ मतलब समझे नहीं। हुआ यूं कि प्रिया के लिए मैं गोरी होने वाली क्रीम लेने के लिए मॉल में गई थी, तो वहाँ पर कंपनी वाले फ्री में फेस पैक लगा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा लगा लेती हूँ। लेकिन बहू बेटा, इस उम्र में ऐसे झटके मत दिया करो, दिल बहुत कमजोर है मेरा। पापा जी ये ले प्रिया तेरी क्रीम। बॉबी भाभी, क्या वाकई ये फेस पैक और क्रीम लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी? अरे हाँ हाँ हो जाएगी, और यहाँ पर लिखा भी है 1 हफ्ते में गोरा होने की गारंटी। वैसे भी लड़के वाले तो 1 हफ्ते के बाद आएंगे इसे देखने के लिए, तब तक तो तू गोरी गोरी पाकी छोरी हो जाएगी। बहू क्या चिक चिक कर रही है, भर भर के क्रीम लगाना, काहे कंजूसी कर रही है? अरे मौसी जी, इस क्रीम पे लिखा हुआ है कि थोड़ी सी लगानी है, इसलिए लगा रहे हैं। अरे वो दूसरों के लिए लिखा होगा, अरे दूसरे अगर 2-4 हफ्ता के बाद भी गोरे होंगे ना तो चलेगा, लेकिन प्रिया को तो 1 ही हफ्ता में गोरा होना है, इसीलिए क्रीम भर भर के लगानी पड़ेगी ना। अगर इस बार भी लड़के वालों ने प्रिया को नापसंद कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुला दे मुझे। अरे मौसी क्या कर रहे हो आप? अम्मा चेहरा जल रहा है हमारा। अरे इतना नहीं लगाते। अरे शांति, क्यों बच्चे की जान हलकान कर रही हो? जीजा जी आप ना हमारे काम में चिक चिक मत क्या करिए, जाइए यहाँ से। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करो, परेशान कर कर दिया बच्चे को। चेहरा जल रहा है हमारा। थोड़ा सह ले, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ ये रख, हम आते हैं। प्रिया जब तक ये क्रीम सूखे तब तक चल अंदर बैठते हैं। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। ये कौन है पापा जी? ये कौन लोग आगे घर में? देखो वही तो, देखा प्रिया, अब तो मेरी शक्ल भी नहीं पहचानती ये। बॉबी ये तुम अपने असली रूप में कैसे आ गई? क्या नहीं, ये बहन जी कौन है? भैया जी नमस्ते। अरे हाँ मैं प्रिया, बरेली वाले। प्रिया बरेली वाली, कैसी हो तुम? चिक चिक कर रहा है। चिक चिक मौसी आई है क्या? हाँ भगवान दास, आ गई है तुम्हारी चिक चिक मौसी। तुम भी? अरे खुश रहो खुश रहो। भगवान दास ऐसा है कि हम प्रिया के लिए ना लड़का देखने आए हैं। लड़के वाले कानपुर में ही रहते हैं, लेकिन अभी शहर से कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, हफ्ता भर बाद आएंगे, तो हमने सोचा भाई हफ्ता भर
तुम ही लोग के साथ चिक चिक कर लिया जाए। तो अच्छा किया ना, अच्छा किया मौसी, अब यहाँ बैठ के चिक चिक करेंगे। ये चेहरे पर क्या है भाई? वो प्रिया को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं ना अगले हफ्ते, तो मौसी जी चाहती हैं कि मैं उसे क्रीम लगा लगा कर एक हफ्ते में गोरा कर दूं। यहाँ भी काले गोरे का चक्कर, कब खत्म होंगे ये चक्कर? पता है वो भी आज ऑफिस में क्या हुआ? क्या? एक रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू था, उस कालिया के बच्चे ने एक काबिल लड़की को सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पक्के रंग की थी। क्या? और उसने जिस लड़की को लिया है वो इस पोस्ट के लिए कहीं से भी लायक नहीं है बॉबी। और कालिया जैसे लोग क्या कह रहे पता है? रिसेप्शन पर गोरी लड़कियां ही अच्छी लगती है। कालिया जैसे काले दिल के लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं है। बॉबी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम भी ऐसा सोचती हो? मैं नहीं, वो मौसी जी ने कहा था। मौसी मुझे एक बात बताओ, मौसा जी भी तो पक्के रंग के थे, फिर उनसे शादी काहे की? अरे भगवान दास, अब तू ज्यादा चिक चिक ना कर। हमको पता है कि हम का कर रहे हैं, और बहू अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि लड़के वालों के आने से पहले हर रोज तू प्रिया को भर भर के क्रीम लगाएगी। मुझे प्रिया एक हफ्ते में गोरी चाहिए। आज यकीन हो गया कि तू किसी भी क्रीम से ना गोरी नहीं हो सकती, बड़ा ही पक्का रंग है तेरा। नहीं होना मैं गोरा। सुन लिया अम्मा तुमने, हमारी गलती नहीं है कि हमारा रंग दबा हुआ है। कोई सामान, कोई बर्तन, कोई सजाने की चीज नहीं है हम। ये साफ करके चमका दिया और दुकान में रख दिया। इंसान है हम अम्मा, तुम्हारी फालतू की क्रीम में लगाकर छाले हो गए हमारे चेहरे पे। तुम्हें हमारी जरा सी भी चिंता नहीं है ना अम्मा? अगर हमें तुम्हारी चिंता नहीं होती ना, तो तुम्हारे ब्याह के फिकर में मर नहीं गए होते हम। इतनी महंगी महंगी क्रीम लाकर नहीं दी होती तुमको। सच बताए अम्मा, गोरा होना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम्हारी सोच बदलना है। छब्बीस, 26 चक्कर काट चुके हैं मौसी जी, ऐसे जल्दी नहीं आ जाएंगे वो लोग। अब तो चिक चिक मत कर। अरे बहू, ये जाके देख प्रिया अच्छे से तैयार हो रही है कि नहीं। अरे हाँ मौसी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। भगवान, ये रिश्ता पक्का करवा देना। मैं कैसे करवाऊंगा ये रिश्ता पक्का? भगवान दास, तू चिक चिक ना कर। मैं तेरी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान शिव जी की बात कर रही हूँ। ओ शिवाय की? नहीं नहीं नहीं, मैं शिवाय की बात मत कीजिए, उसे मत बुलाइए। तो क्या है कि वो आता है तो डबल कंफ्यूजन हो जाता है भाई। क्या कहा? नहीं, वो आ गए। आ गए लगता है, आ गए आ गए आ गए। अरे आइए 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 आइए। नमस्कार। नमस्कार। जीजा जी, ये है सुशीला जी। नमस्कार। नमस्ते। ये है मेरा बेटा मनोज, और ये विवेक, मनोज का बेटा।
मेरा पता। अच्छा आप ही मनोज हैं जिनके सुपुत्र के साथ हमारी प्रिया बेटी का संबंध होने वाला है, पर आपके पुत्र तो आपके साथ आने वाले थे, आए नहीं, क्या बात है? जो शांति का जीजा जी एक का चिक चिक कर रहे हैं, का है ना सुशीला जी कि हमारे जीजा जी को बहुत ही मजाक करने की आदत है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। वैसे इनको पता है कि प्रिया का रिश्ता मनोज जी से ही हो रहा है। बॉबी ये क्या कंफ्यूजन भाई? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, एक्सक्यूज मी आंटी जी, अभी अभी आपने बताया था ना कि ये आपका पोता है, मतलब मनोज जी का बेटा है, तो हाउ इट पॉसिबल? आई मीन भगवान दास तू ज्यादा चिक चिक मत कर, ये हमारे होने वाले दामाद हैं और इनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है, आ गई सब बात समझ में? अरे आप लोग खड़े कहाँ हैं? आइए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए, आइए। बॉबी ये बहुत गलत हो रहा है, तुम्हें इस बात का पता था क्या? नहीं। प्रिया को इस बात का पता है कि उसकी शादी एक शादीशुदा आदमी से हो रही है जिसका इतना बड़ा बेटा है? शायद पता हो भी सकता है और शायद ना भी पता हो। बॉबी अगर पता नहीं है तो पता कराओ, प्लीज जाकर उसे जल्दी से बताओ कि ऐसा हो रहा है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अरे भगवान दास बहू, अरे तुम लोग का चिक चिक लगाए हुए हो, जाके देखो प्रिया तैयार हुई कि नहीं। अभी देखते हैं। कर रही है प्रिया? मेकअप कर रहे हैं भाभी ताकि हम काले ना दिखें। तेरी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, पर क्या तुझे पता है वो जो लड़का तुझे देखने के लिए आया है वो 45 साल का है और उसे 16 साल का एक बेटा भी है। चल हमारे साथ, चलो बाहर चल के सबको मना कर दे अभी के अभी। हमें सब पता है भाभी। तो फिर तू कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें कुछ नहीं कहना। पर क्यों प्रिया? क्योंकि हमारा रंग दबा हुआ है, न जाने कितने लड़के आए हमें देखे और फिर कभी देखने की इच्छा ना हुई उनमें। हम अम्मा के तानों से तंग आ चुके हैं भाभी, बस जितनी जल्दी हो सके उन पर से हमारा बोझ उतर जाए बस। पर ये तो गलत कर रही है प्रिया। गलत तो भगवान ने हमारे साथ किया है भाभी, हमें ऐसा रंग देकर। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, देखिए हम खुश हैं, आप भी खुश रहिए। देखिए भाभी अगर हमारी आंखों में आंसू आ गए ना तो हमारा मेकअप खराब हो जाएगा और फिर ये लड़का भी चला जाएगा। इलो आ गई हमारी प्रिया। अम्मा ये तो बहुत है काली है। धीरज रख बेटा, हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है आओ सामने बैठो। हमारी जो प्रिया है ना खाना बनाने में घर सवारने में अव्वल है अव्वल, और किसी भी बात पर ना चिक चिक नहीं करती है, और तो और डबल एम ए पास है हमारी प्रिया। हाँ अरे सिलाई कढ़ाई बुनाई सब बहुत ही अच्छे से जानती है हमारी प्रिया। बस इतना तो सब लोग करते हैं, काफी जानकारी मिल गई प्रिया की।
अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो बता सकते हैं कि मनोज जी कहाँ तक पढ़े हुए हैं? अरे, पढ़ाई के बारे में पूछकर क्या करना है? ये दामाद जी का इतना बड़ा कारोबार है फर्नीचर का। बहन जी, अब आप ये बताइए कि कैसी लगी हमारी प्रिया आपको? बात ये है बहन जी कि हम अपने मनोज के लिए सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारी प्रिया भी बहुत ही सुंदर है। अरे इसका नया नक्श तो देखिए कितना साफ है। कहा है ना बहन जी कि हमारी जो बहू है ना, इसे रोज कानपुर घुमाने ले जाती है, वो भी धूप में, इसीलिए थोड़ा सा रंग दब गया है और कोई बात नहीं है। अब हमें मत सिखाइए बहन जी, हमें तो सब दिख रहा है। वो क्या है ना कि हम शादी के लिए ना नहीं कर रहे हैं, पर क्या है कि हमारे मनोज को 10 लाख रुपए की जरूरत है, उसको अपना कारोबार बढ़ाना है ना, तो क्या है अगर ये आपकी तरफ से इंतजाम हो जाए तो हमें तो कुछ ऐतराज ही नहीं है। 10 लाख? लेकिन 10 लाख तो अब आजकल 10 लाख में क्या होता है बहन जी? अब घुमा फिरा कर ये क्या बात करे बहन जी? अगर ये मोटी होती तो पतला कर देते, नाटी होती तो हिल पहना करके रखते, अब उस स्थिति में तो 5 लाख में बात बन जाती। लेकिन दबे रंग का तो इलाज किसी के पास नहीं है। क्या बकवास कर रही हैं आप अपने बेटे की शादी की बात करने आए हैं या शॉपिंग करने? भगवान दास, तू चुप कर। मैं बात कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल चुप चुप नहीं करेगा। लेकिन मौसी, चुप। देखिए बहन जी, जल्दी से आप लोग मिलकर के तय कर लीजिए, हाँ या ना। मौसी जी, मेरे ख्याल से आपको सोच विचार करके ये फैसला करना चाहिए। अब इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे जल्दी है बहू। सुशीला जी, 10 लाख का इंतजाम हो जाएगा। मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए तो फिर ठीक है, 3 दिन के बाद आकर के शगुन कर लेते हैं। बेटा खुश रहो, चलो बेटा। दो चार, दो छह, दो आठ, एक नौ, दस, दसवीं चाय दो एक, थोड़ा ज्यादा काली मत करना। अरे भगवान भैया, कहाँ हो गया है आपको? चाय पे चाय पिए जा रहे हो, ऊपर से बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हमारी चाय चढ़ रही है का? इधर आओ। देखो भाई, ऐसा है कि चाय नहीं चढ़ रही है, जिंदगी से जो बेरुखी हो चुकी है ना, वो चढ़ गई है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ भगवान दास। अरे तुम तो रहने ही दो यार। रहने दो चाय। अरे नहीं भाई, चाय बनाओ तुम, कैरी ऑन। मैं आपसे नहीं, बाप से बात कर रहा हूँ। बाप से? कैरी ऑन, कैरी ऑन। क्या बात है भाई, ये काली चाय क्यों पी रहे हो भाई? काली चाय मुझे पसंद है भगवान दास, और मैं कुछ लोगों की तरह काले और गोरे में भेद नहीं करता। सब समझ रहे हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, किस दुविधा से मैं जूझ रहा हूं, फिर भी चुपचाप बैठे हो, कुछ करोगे नहीं? कैसे इंसान हो, मेरा मतलब भगवान हो यार, किस मिट्टी के बने हो यार? अब मिट्टी का तो पता नहीं भगवान दास, पर हाँ कुछ लोगों के विश्वास से अवश्य बना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो खुद की मदद करते हैं। चेंज मत करो टॉपिक, कंफ्यूज भी मत करो, बात को बदलो मत, वहीं रहो। वो लड़की बेचारी फंसी हुई है, बलि का बकरा बन रही है, और तुम चुपचाप बैठे यहाँ काली चाय पी रहे हो। जोक नहीं सुना है मैंने, मैंने एक बात पूछी। मैंने आप बैठे रहे, आपसे नहीं बोल रहा हूँ भाई। भगवान दास, लोग उसी पर हंसते हैं जो खुद का मजाक उड़वाते हैं, बुरा वही दिखते हैं
जो खुद को बुरा दिखाना चाहते, काला सफेद हरा नीला पीला, इन सारे रंगों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब मनुष्य अपना आत्मसम्मान, अपना अस्तित्व खो देता है, जब वो स्वयं को दूसरों से कम आंकता है। जब तक तुम स्वयं अपने आप को नहीं स्वीकारोगे जैसे तुम हो, तब तक कोई दूसरा तुम्हें क्यों स्वीकारेगा? और क्या है ना कि मैंने हर मनुष्य में बेहतर बनने की क्षमता दी, अब कैसे बेहतर बनना है ये उन्हीं के हाथ में होता है। और जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक कोई दूसरा तुमसे प्रेम क्यों करेगा भगवान दास? अंडरस्टैंडिंग लिटिल लिटिल, आई मीन थोड़ा थोड़ा। इस थोड़े में ही तुम्हारी समस्या का समाधान है भगवान दास। शांति, ये तुम सवेरे से बगैर बताए कहाँ चली गई थी हैं? कितना परेशान हो रहा है पूरा घर। हम चिंता मुक्त हो गए। मतलब ई भगवान दास कि हमरा जो बरेली वाला मकान था ना, उसका सौदा पक्का हो गया। और आज दोपहर तक 10 लाख रुपया एडवांस भी मिल जाएगा। मौसी, ये अब क्या कह रही है मौसी? आपने अपना घर बेच दिया? आप दहेज देकर पहले ही गलत काम कर रही थी मौसी, ऊपर से आपने उसके लिए अपना घर तक बेच दिया। भगवान दास, वो छत किस काम की जिसमें कवारी बेटी बैठी हो? आज शाम को लड़के वाले आए रहे हैं। भगू बेटा, ये ठीक नहीं हुआ। भाभी, क्या करें अब हम? भैया कुछ बोलिए ना। कोई क्या बोल सकता है बताओ? कोई कुछ नहीं बोल सकता। जब तक तुम खुद नहीं कुछ बोलोगी या खुद कुछ नहीं करोगी, कोई कुछ नहीं कर सकता प्रिया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? लेकिन तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है? तुम डबल एमए पास हो भाई, इतना तो समझ लेना चाहिए कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो तुम मजाक उड़वाने देते हो, इसीलिए उड़ाता है। तुम खुद अगर अपना सम्मान नहीं करोगी तो कोई दूसरा तुम्हारा सम्मान कैसे करेगा? और ये बात काले गोरे रंग की नहीं है प्रिया, ये बात खुद के अस्तित्व की है और आत्मसम्मान की है। एंड प्लीज डोंट माइंड, तुम अपना आत्मसम्मान खो चुके हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या कर रहे हैं आप? वो बेचारी पहले से कितनी परेशान है। तुम समझाओ ना उसे। समझाती हूँ। प्रिया रुको। शिवाय, बहुत कोशिश की मैंने समझाने की पर प्रिया समझने को तैयार नहीं। खोया हुआ आत्मविश्वास इतनी जल्दी वापस नहीं आता भगवान दास। प्रिया अपना आत्मविश्वास खो चुकी है, अब तुम्हें उसे ज्ञान से नहीं उपमा देकर समझाना होगा। उपमा? आप उपमा कहां से बनाए? मतलब एंड बॉबी डोंट नो हाउ टू मेक उपमा बिकॉज हाउ एंड मटेरियल इज आल्सो नॉट देयर इन द किचन आई थिंक। भगवान दास, यार तुम्हें जब देखो खाने की ही पड़ी रहती है। तो उपमा आई मीन, अरे उपमा मतलब उदाहरण देकर समझाना। उदाहरण? अच्छा, यू मीन एग्जांपल। तो हिंदी में बोलो ना यार, मतलब आप उदाहरण कहां से लाएं? मतलब कैसे, कहां मिलेगा? कोशिश करके देखो भगवान दास, उदाहरण तुम्हारे आसपास ही मिलेगा। आसपास? आसपास तो बोबी है, पापा जी हैं, बबलू है, बबली है। अरे हाँ, अरे शिवाय, एक इंसान है जो प्रिया का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस ला सकता है। कसम करीना कपूर की, उसके पास उदाहरणों की कमी नहीं है। यस, आप ये सब हमें क्या दिखा रही हैं? यही कि ये सारी हीरोइन तुम्हारे तरह साधारण थी,
लेकिन मेरे तरह फैशन करके ये सुंदर बन चुकी है। ये क्या कह रही हैं आप? बेबी तुझसे ये कहना चाहती है कि साधारण या असाधारण इंसान अपनी वजह से ही बनता है, ना कि किसी और की वजह से। और हम में से जो भी चाहे वो असाधारण बन सकता है इन सब की तरह, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है आत्मविश्वास और लगन की। देख प्रिया, सबसे पहले तो तुझे ये समझने की जरूरत है, हर रंग का अपना अलग महत्व होता है, अपनी अलग खूबसूरती होती है, और तुम्हारी इस खूबसूरती को पहचानना और उसे निखारना तुम्हारे ही हाथ में है। तुझे अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना होगा जो तू खो बैठी है, और फिर देख तू भी इन बड़ी हीरोइन की तरह खूबसूरत लगने लगेगी, समझी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। तुम ना सब मुझ पर छोड़ो। छोड़ दिया, अब पकड़ो। हाँ? अरे मेरा हाथ पकड़ो और चलो। कहाँ लेके जा रही हैं आप हमें? रास्ते में सब बता दूंगी। अरे चलो बॉबी, बॉबी चलो जल्दी। अरे हाँ, आई। आपके कहे अनुसार हम शगुन लेकर के आ गए हैं, लेकिन देखिए आप चिक चिक, मतलब आप चिंता मत करिए, पैसों का इंतजाम हमने कर लिया है। तो देर किस बात की, प्रिया को बुलाइए और शगुन किया जाए। वो क्या है ना कि बहू की बहन के साथ प्रिया थोड़ा काम से बाहर गई है। प्रिया जैसी लड़की के लिए उसके शगुन से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? अरे थोड़ा धीरज रखिए, धीरज रखिए, आ जाएगी प्रिया बेटी भी। हम आ गए। अरे बेबी, प्रिया तो तुम्हारे साथ गई थी ना, कहाँ है प्रिया? हम यहाँ हैं अम्मा। अम्मा, अब शगुन में और देर नहीं होनी चाहिए। बच्चों, जाओ तुम लोग खेलो। तो हाँ जी समधन जी। हाँ जी, हाँ जी। ये लीजिए 10 लाख रुपए। आपके 10 लाख। नहीं। नहीं मिलेंगे। ये तो क्या कह रही है प्रिया? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम आपको एक पैसा भी दहेज में नहीं देंगे। तो मत दो, आपका ही नुकसान होगा। चल बेटा। कैसी बात कर रही हो अम्मा? अरे हमें दहेज नहीं चाहिए। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, तो अब आप बगैर दहेज के शादी करने को तैयार हैं प्रिया से? जी हाँ। लेकिन हम तैयार नहीं हैं। ये तो क्या कर रही है, देख नहीं रही? ये लोग बिना दहेज के तुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। ये सब मेकअप का कमाल है अम्मा। एक बार हमारा मेकअप धुल गया ना तो मेकअप हमारा उतरेगा और असली चेहरे इन लोगों के दिखाई देंगे। मौसी जी, आप सिर्फ मुझे एक बात बताइए, आज आपको प्रिया को देखकर क्या सच में ऐसा लगता है कि इसे भविष्य में कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? भगवान दास, अरे हो गया विश्वास हमका। अब देखना, हमरे प्रिया के लिए तो एक से एक बढ़के लड़का मिलेगा। देखिए, हमें अपनी गलती का एहसास है और अब
हमको भी हो गया है, इसीलिए बिना चिक-चिक किए जितना जल्दी हो सकता है ना अपना ही पलटन लो और निकलो यहाँ से। बाजी आप कैसी? नहीं तो अब अनर्थ हो जाएगा, हम बता रहे हैं। चल बेटा चलते, चल ले जाओ अपना सारा सामान, कहीं और रिश्ता पक्का करोगे तब काम आएगा। मौसी जी कमाल कर दिया आपने, माइंड ब्लोइंग। अपनी अम्मा को माफ कर देना, हमको लगा था ना कि तुम्हारी शादी कभी होगी नहीं, लेकिन तुम देखना हम तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढेंगे। नहीं अम्मा, अब हमें शादी नहीं करनी। आखिर इतनी पढ़ाई किस लिए की हमने? हम नौकरी करेंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और हमारे किस्मत में जब भी कोई अच्छा लड़का आना होगा अपने आप आ जाएगा। आज तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास देख के हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाने वाले आप सभी लोग तो हैं, खास तौर पर बॉबी भाभी और बेबी दीदी, जिन्हें यकीन था कि हम एक दिन अपना अस्तित्व जरूर जानेंगे। अब ये इमोशनल सीन ना बंद करो, कसम गोविंदा और करिश्मा कपूर की, अब हम सब बन ठन के तैयार हो ही गए हैं, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना कानपुर घूमा जाए, हाँ चाट वाट खाएंगे, आइसक्रीम आइसक्रीम खाएंगे। हाँ। 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 अरे बच्चों आ जाओ, आओ भाई आओ, बबली चलो बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है भगवान दास? जब मैं तुम्हारे दुख में तुम्हें समझाने आ सकता हूँ तो सुख में मिठाई खाने तो आ ही सकता हूँ मेरे दोस्त। बिल्कुल ठीक बात है शिवाय, लेकिन इस बार एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस बार भैया आपने कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही क्रिएट कर दिया, लेकिन उससे एक बात अच्छी हुई कि मेरी समस्याओं का समाधान जल्दी हो गया। इस बार ही नहीं भगवान दास, हर बार हर समस्या का समाधान तुम ही खोजते हो। अच्छा, अगर सारी समस्याओं का हल मैं ही खोजता हूँ तो फिर तुम क्या करते हो, अंत में क्रेडिट लेने आ जाते? नहीं भगवान दास, मैं क्रेडिट लेने नहीं आता। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो मुझे क्रेडिट देने चले आते हैं। भाई ये तो उनका प्रेम है। प्रेम भी है और अपना अपना नजरिया भी है शिवाय। भगवान दास, इसी नजरिए को तो बदलना है। पर एक बात याद रखना, सारे रंग अच्छे होते हैं, बुरी होती है तो केवल हमारी सोच। बुराई नजरिए में होती है मेरे दोस्त, नजर में नहीं। क्या बात, अब इस मेज को ही ले लो, भांति भांति के रंग हैं देखो, और सबसे बड़ा रंग तो शिवाय इसका है। एक सेकंड भगवान दास, इसे रहने दो, सारे बुराई की जड़ यही है। नहीं चाहिए। अच्छा तो ये लाल रंग, एक सेकंड। अरे ये लो।